हाय गाइस, मैं शांतनु एंड तबू करीना कपूर एंड कृति सेनन स्टारर क्रू रिलीज हो चुकी है। अब इस फिल्म के पास बड़ी सॉलिड स्टार कास्ट है, प्रमोशनल एक्टिविटीज भी डिसेंटली वेल डन थी और साथ ही डिसेंटली वेल कट भी था इसका ट्रेलर। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरे को एक चीज समझ आई और वो ये है दैट व्हाई फीमेल स्टार कास्ट लेड फिल्म्स नीड टू बी टेकन वेरी सीरियसली व्हाइल दे आर बीइंग मेड। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो होगा क्रू। और वो क्यों, ऐसा मैंने क्यों सोचा और इसका क्या रीजन है, आज उसी के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस फिल्म को देखने के बाद मेरी सबसे बड़ी एप्रीहेंशन ये थी कि कहीं ये एक फीचर फिल्म ना बना दे फोर मोर शॉर्ट्स जैसे शो की। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलीव टू से कि पूरी की पूरी पिक्चर में कुछ भी सूडो फेमिनिज्म या सूडो वोकनेस से रिलेटेड नहीं। इनफैक्ट फिल्म बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है द डायनामिक्स ऑफ द केबिन क्रू, जो 35 से 42 या 35 से 45 साल के बीच में है औरतें, एंड दे नो दैट दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड दे आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री जो ज्यादा वेटेज देती है यंग लड़कियों। आई स्पेशली रियली लाइक द बैंटर बिटवीन तबू एंड करीनास कैरेक्टर, क्योंकि इन तीनों में तबू और करीना हम उम्र होती हैं और कृति इनसे उम्र में थोड़ी छोटी होती है। और तबू और करीना को जब भी तुम देखोगे बात करते हो कि भैया अब हम 35 साल से प्लस हो चुके हैं, आगे क्या करना है, हम लोगों के घर पे क्या चल रहा है, हमारी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी सेक्स लाइफ में क्या चल रहा है, ये बैंटर बहुत अच्छा लगा मुझे। जाहिर है तो जरा सामान दुकान से बाहर ही रखे। जितने भी रॉ ऑर्गेनिक गालियों वाले शॉट्स है ना, जो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि भैया केबिन क्रू को लौंडे छेड़ते हैं या फिर उनको कैसे कैसे चूतियों से पाला पड़ता है, तबू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वाली सारी क्रास चीजों को डील किया है। कृति सेनन बिचारी की किस्मत फूटी है, शी इज अ वेरी केपेबल एक्ट्रेस, उसको आदि पुरुष और गणपत जैसी फिल्में करनी पड़ रही है और यहाँ पे शी शाइन्स इन द फिल्म। जो भी उसको पार्ट दिया गया है शी डज एब्सोल्यूट जस्टिस टू इट। करीना कपूर्स कैरेक्टर इज द फ्लैम्बॉयंट एंड द एम्बिशियस वन अमंगस्ट द ट्रायो, लेकिन मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि उनका कैरेक्टर ना थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा है टू पिच इन इनटू द कॉमेडी ऑफ द फिल्म। शायद ये स्क्रीन प्ले का ड्रॉबैक होगा, बट नॉनदलेस शी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द फिल्म। तो हमारा घर भी चलवा दो सर। फिल्म एक हाइस्ट कॉमेडी है तो जोक्स भी होंगे, एंड सिंस दिस इज अ ग्रोन वुमन फ्लिक, इसमें जो औरतें तुम्हारे को देखने को मिलेंगी वो भैया पूरी ग्रोन अप्स हैं, तो वो भी एडल्ट जोक्स अपने इनर सर्कल में क्रैक कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहां पे करीना ये बोलती है कि अब तक तो सिर्फ अपने लिए मरवाई थी, अब दूसरों के लिए मरवा के देख लेते हैं, तो यार इस पे कोई हो हल्ला मचने की मेरे को लगता नहीं है जरूरत है, क्योंकि वो अपने दोस्तों में ऐसे बात कर सकती हैं। अब कुछ लोगों को ये चीज पुट ऑफ कर सकती है और फैमिली ऑडियंस को शायद ये चीज पुट ऑफ कर सकती है, बट टू मी इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। डर लग रहा है यार, तो गाना गा। कौन सा? सोना कितना सोना है। इस फिल्म का जॉनर है हाइस्ट कॉमेडी, एंड वेरी वेरी सक्सेसफुली ये फिल्म ना ही हाइस्ट कर पाती है और ना ही कॉमेडी। शुरू के 35 से 45 मिनट आपको काफी एंटरटेन रखेंगे और थोड़ा बहुत गिगल भी करा देंगे, लाफ आउट लाउड वाली या फिर कोई मेमोरेबल जोक्स आपको नहीं सुनने को मिलेंगे। और सेकेंड हाफ में तो ये फिल्म सिर्फ उतनी सेंस बनाती है जितनी सेंस बनाती है शौर्य शिफू भारद्वाज की ये वाली स्टेटमेंट, मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ, मेरा 30 मिनट की ट्रेनिंग का चार्ज अभी 45 लाख रुपए चल रहा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना बिलो एवरेज, इनफैक्ट बॉर्डरलाइन गार्बेज है कि तबू करीना और कृति जैसा टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट भी इसको कैरी आउट नहीं कर पाता है। जो भी कॉमेडी के नाम पे ही हु आउच है थोड़ा बहुत थ्रू आउट द फिल्म, उसको तबू जी सिर्फ और सिर्फ अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रही हैं। इसके अंदर उनका सहयोग थोड़ा बहुत कर देती हैं करीना कपूर जी, और कृति सेनन को तो ठीक से यूज ही नहीं करा गया है। किंगफिशर एयरलाइंस एंड विजय माल्या को एज बट ऑफ ऑल जोक्स यूज करा गया है, विच इज नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि यहां पे स्क्रीन प्ले राइटर्स को बहुत ज्यादा लीवे मिल जाता बहुत बढ़िया बढ़िया जोक्स बनाने का, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ही लेम है जोक्स, कुछ जोक्स तो लैंड ही नहीं करते, कुछ जोक्स आधे ही बीच में खत्म हो जाते हैं, आधे लोगों को समझ नहीं आएंगे, इतने इंटरनल हैं। फॉर एग्जांपल एक जोक है जहां पर एक बंदा, ये केबिन क्रू की होती है तीनों, ये पीछे खड़ी होती हैं पर्दे के पीछे, और वो बंदा खड़ा होता है और बार बार अपने उसको सामान को टच कर रहा होता है, निकालने की कोशिश करता है, एंड तब उसको इरिटेट होकर बोलते हैं ए चूतिया तू बैठ जा। सच अनरियलिस्टिक एंड इनऑर्गेनिक जोक्स तुम कैसे सोच सकते हो, और वो भी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस लाइक तबू को तुमने ये वाले जोक्स दे दिए। फिल्म में पहले ही इतनी रिप्टिकल वाली कॉमेडी थी, इसके ऊपर इस गौरमे कॉमेडी के ऊपर इन्होंने डोलॉप्स ऑफ क्या ऐड कर दिया, एक ऐसी धी पिटी की हाइस्ट की कहानी कि जिसको देख के तुम सर पीट लोगे, ये कहोगे भैया अनुराग डोभाल है ना जो यूके राइडर, वो भी इससे अच्छी कहानी लिख लेगा। हाइस्ट वाला पार्ट इस फिल्म का बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी की खोदी हुई एक सड़क है, जहां पे सड़क में गड्ढे नहीं होते, गड्ढों में सड़क होती है। वैसे यहां पे हाइस्ट वाले पार्ट में लूप होल्स नहीं है, उसमें है 6-6, 8-8 फुट के, इनफैक्ट 12-12 फुट के गड्ढे जिसके अंदर इन्होंने कहानी बना दी। थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन, कोई बेचारा यहाँ
हरामजादा। इनके पास स्टार कास्ट बहुत बढ़िया थी तो आधे से ज्यादा प्रोडक्शन का पैसा तो वहां चला गया। अब तीनों लीड एक्ट्रेसेस एयर होस्टेसेस हैं तो उनके मेकअप पे, उनके पूरे के पूरे गेटअप पे उनको बहुत स्टनिंग जो वो लगती भी हैं वो दिखाना पड़ेगा, आधा पैसा वहां चला गया। अब पैसा हो गया खत्म और ईएमआई पे इन्होंने कर लिया राइटर हायर। उन राइटरों ने पहले 35 मिनट तो दिल लगा के कहानी लिखी, सोच समझ के, उसके बाद उनको आ गई नींद। जब वो उठे प्रोड्यूसर ने गांड में गन्ना तोड़ दिया कि भाई तुम लिख रहे हो या सो रहे हो। फिर उन्होंने जो गंद मचाया है जो मन करा वो लिख दिया भैया। मतलब उन्होंने ये सोच लिया कि जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं वो तो सारे चिंपांजी हैं, वो तो पिक्चर देखेंगे करेंगे, गांड खुजाएंगे और घर चले जाएंगे, दिमाग तो लड़ाएंगे नहीं कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है। विजय माल्या को बट ऑफ ऑल जोक्स तो बना दिया लेकिन उसके आगे पीछे की कहानी भूल गए और अपना खुद का ही विजय माल्या बना दिया कि भैया वो वहां पे पहुंच चुका है इंडिया छोड़ के, बैंक करप्शन के बाद भाग चुका है इंडिया छोड़ के, पुलिस उसके पीछे, सरकार उसके पीछे एक्स्ट्रा डाइट करने के लिए उसको लगी है। लेकिन ये तीन मोहतरमाएं वहां पहुंच जाती हैं और वहां पहुंच के बड़े से बड़े होटल में जाके भैया कोई नौकरी भी ले लेती हैं। मतलब जो मन कर रहा है ये वो कर रही हैं। और अभी थोड़े पहले हाफ में आधी से ज्यादा बिचारी थी, अब सारा बिचारापन खत्म हो चुका है। वहां पहुंच गई हैं, वहां किसी होटल में नौकरी ले लेती हैं, फिर जो मन करता है वहां चली जाती है, फिर मन करता है एयर होस्टेस बन जाती है, एक तो पायलट बन जाती है भैया, उसका मन करता है वो पायलट बन जाती है। उसने पायलटिंग की पढ़ाई करी होती है लेकिन उसने कभी प्लेन नहीं उड़ाया होता। और इसी को लेकर एक शॉट भी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म कि वो एक प्लेन को कैसे उड़ा रही है, किताब पढ़ के देख रही है कि लैंड कैसे कराना है। मतलब यार तुम कुछ नेक्स्ट टेक लेते हैं यार। You're a capable pilot, you're good at everything, but I can't do it. जोक्स तो क्लीशेड है ही हैं भैया, कैरेक्टर भी इतने क्लीशेड हैं। अब तुम्हारे को क्या लगता है अगर इनको एक हैक करना है यहाँ कहीं पे किसी सिक्योरिटी को डॉज करके, बड़ी हाईटेक सिक्योरिटी को डॉज करके एक दुबई के टॉप होटल के अंदर घुसना है तो हेल्प कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? अरे भैया तीनों में से, तीनों लौंडिया में से एक का भाई करेगा जो हिंदुस्तान में बैठा है और वो अपने घर के कमरे में बैठा है, 6 फुट के कमरे में, वहां बैठे खट 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 हो गया दीदी मैंने कर दिया। यही तो कहानी लिखना होता है भाई। फिल्म में विजय वालिया को पकड़ने के लिए ये तीनों मोहतरमाएं इतना टेस्टिकल टचिंग एंड टॉप ऑफ द टोपा ब्रिलियंट प्लान बनाती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। विजय वालिया एक प्राइवेट प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है जिसके क्रू में पहले से ही एक पायलट और दो एयर होस्टेस होती है। अब इन तीनों मोहतरमाएं ये अपना तीनों मिला के, कुल मिला के इन्होंने दिमाग लड़ाया और सोचा पता है क्या कि पहले उन दो एयर होस्टेस को कैसे गायब करा जाए। सोचो, तुम सोच ही नहीं सकते इतना इंट्रिकेट प्लान है। उनका ना आईडी चुरा कर उनको टॉयलेट में बंद कर देती है और फिर जिस हिसाब से ये उस प्लेन के पायलट को गायब करती है भाई, मैं तो कह रहा हूं 100 टोपे के तकियों की सलामी मिलनी चाहिए इस फिल्म को जिसने लिखा है उसको, क्योंकि ये क्या करती है तुम सोच ही नहीं सकते। इतना ब्रिलियंट ट्विस्ट है। वो जो पायलट होता है वो तबू पे पहले से ही मरता होता है तो तबू उसके पास जाती है छोटी डीप कट ब्लाउज पहन के और वो देख के हिल जाता है क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं सारे मर्द। और उसके बाद वो क्या करती है उसकी उसकी उसके अंदर ना ड्रिंक के अंदर मिला देती है कुछ और वो बेहोश हो जाता है और हो गया पायलट पे। कृति सेनन को प्लेन लैंड कराना नहीं आता लेकिन उसको प्लेन नीचे से ऊपर टेक ऑफ कराना आता और मिड फ्लाइट भी बिल्कुल सब कुछ संभालना आता है। जब तक वो बिल्कुल चोरी चकारी कर लेती हैं फिर वो कहती है हाँ भाई कहाँ लैंड कराएगी, वो कहेगी अरे भैया फट्टो जा तू बोलेगी वहां लैंड करा दूंगी भाई, फिर गांड फट जाती है तीनों की कहाँ लैंड कराए, वो किताब निकाल लेती है और भाई फिर मैं देख ही रहा था पिक्चर बैठा बैठा बस और क्या देख ली फिर मैंने। फिल्म देखने में तुम्हारे को अच्छी लगेगी, वेल मेड है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी स्टार कास्ट बहुत ही सॉलिड है, बट कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इलॉजिकल हो जाती है आके कि वो तुम्हें काटने लगती है। दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा और तीनों लीड एक्ट्रेसेस, इट्स अटरली डिसअपॉइंटिंग एंड इन्फ्यूरिएटिंग टू सी ऑल दिस टैलेंट गोइंग डाउन द ड्रेन इन दिस फिल्म। चोली के पीछे और घाघरा दो ऐसे गाने हैं दैट स्टैंड आउट, बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, कई जगह पे काफी ऐप तक, कई जगह पे वो इरिटेट करने लग जाएगा तुम्हारे को और कई जगह पे तो बिल्कुल ही मूड से डिसोसिएटेड लगेगा। Really wished and had a lot of hope from this film कि भैया इस फिल्म में हमें अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी, अच्छा प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व है, साथ में इतनी स्टेलर स्टार कास्ट है, लेकिन इतनी पिस पुअर स्क्रीन प्ले होगा, मतलब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। वाइल्ड राइटिंग तुम्हें समझ आती है चीजें कि भैया यहाँ पे लूप होल हो सकता है और इतना ग्लेरिंग लूप होल है, एक नहीं है पूरी की पूरी ब्रिगेड है लूप होल्स की। अगर तुमने मडगांव एक्सप्रेस देखी है ना और उसकी कॉमेडी जितनी ब्रिलियंटली लिखी गई है उसको देखने के बाद अगर तुम ये फिल्म देखोगे ना, इररिस्पेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे मेल लेड कास्ट थी तो ये फिल्म ज्यादा फनी थी और यहां पे फीमेल लेड कास्ट है तो ये फिल्म इसलिए फनी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जगह पलड़ा इक्वल है व्हेन इट कम्स टू टैलेंटेड एक्टर्स, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज क्रू को हल्का बना देती है, इनफैक्ट बहुत ही हल्का बना देती है और वो है इसकी पुअर राइटिंग। फिल्म एक बार देखने लायक है एंड दैट टू ओनली एंड ओनली फॉर द कास्ट, फिल्म की स्टोरी से कुछ मत एक्सपेक्ट करना। पूरी की पूरी पिक्चर लैंडमाइन फील्ड एरिया है, लैंडमाइन किस चीज का, एरर्स का, फैक्चुअल एरर्स का, लूप होल्स का कहानी के अंदर एंड बैड एंड लैक ऑफ कॉमेडी का, जिसके ऊपर तुम अगर ना भी चाहोगे ना स्टेप ऑन करना तुम स्टेप करते रहोगे हर 10 मिनट के बाद। थिएटर पे देखने लायक है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है और टाइम है दोनों में एक साथ आग लगा रही है तो जरूर चले जाओ, मैं तो कहूंगा ओटीटी के लिए वेट कर लो, इतना कोई खास है नहीं। गोट लाइफ
देखने का मेरा बहुत मन था, मैं जहां रहता हूं वहां पे अभी तक वो रिलीज हुई नहीं है। आई होप कमिंग वीक में वो रिलीज हो जाए, जैसे ही वो आएगी मैं उसके ऊपर जरूर बात करूंगा अपने नेक्स्ट किसी ना किसी वीडियो में। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, मामा मिया लज़ानिया पप्पी बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जाके कर लो, बहुत जबरदस्त लाइनअप आने वाली है इन द कमिंग वीक। बाय बाय।